अच्छा आइडियल ADSL मॉडेम या राउटर कैसा हो, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। अब मेरे हाथ में है D-Link का DSL2750U ADSL सेकेंड जनरेशन राउटर, जो 300 मेगाबिट्स पर सेकेंड की बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है। इसको बनाया है कंपनी D-Link ने और इसको मैं पर्सनली 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। क्यों यूज़ कर रहा हूँ, इसके फीचर्स मैं आपको बताऊँगा आज, और इसके इंटरनल्स जो ये फंक्शंस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है आपको, एक मॉडेम पे कैपेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, कंट्रोल प्रोवाइड करता है, वो भी मैं बताऊँगा। सबसे पहले हम इसकी फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं कि इसमें आपको एक DSL पोर्ट मिलता है, वो DSL पोर्ट जिसके अंदर आप RJ11 का कनेक्टर, आपके ISP का कनेक्टर कनेक्ट कर सकते हैं, और साथ में 4 LAN पोर्ट्स भी मिलते हैं जो 100 Mbps पर काम कर सकते हैं। साथ ही साथ WPS और वायरलेस का डेडिकेटेड बटन भी मिलता है आपको, और डुअल बैंड्स वाईफाई एंटीना भी मिलेंगे, प्लस USB 3.0 जैसा दिखने वाला आपको इसमें एक USB कनेक्टर भी मिलेगा, लेकिन वो USB 3.0 नहीं है, 2.0 ही है, जो कि प्लग एंड प्ले को सपोर्ट करता है। मतलब आप 3G 4G को प्लग करके यूज कर सकते हैं, इंटरनेट शेयर कर सकते हैं, या अपना हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव को राउटर के थ्रू या मॉडेम के थ्रू स्ट्रीम कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करने का इसलिए था क्योंकि इसमें लगभग इंडस्ट्री के जितने भी मॉडेम के फीचर्स होते हैं ये सभी प्रोवाइड कर लेता है। इवन इनफैक्ट ये वायरलेस शेड्यूलिंग भी प्रोवाइड कर लेता है कि आप पर्टिकुलर टाइम पे वाईफाई ऑन हो जाना चाहिए, या पर्टिकुलर टाइम पे मेरा लैन कनेक्शन ओपन हो जाना चाहिए। जो इंडिया का इसमें जो फर्मवेयर जो बाई डिफॉल्ट इंस्टॉल आता है 1.08, उसके अंदर आपको रिपीटर की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, जबकि आप रिपीटर को, अगर आपको रिपीटर परचेज करना है मॉडेम के साथ, आप TP-Link भी देख सकते हैं। और अगर आपको मॉडेम और रिपीटर अलग अलग रखने हैं तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देखिए, जिसमें मैंने D-Link का एक वीडियो भी बनाया था जिसके अंदर रिपीटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्लाउड रिपीटर है, इसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि इसके साथ 3 ईयर्स का डोर स्टेप सर्विस भी इंक्लूडिंग है, और अगर इसको आपको इसे एज अ रिपीटर यूज़ करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको वहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड कर दूँगा जिससे आप इसका फर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं। और ये ADSL मॉडेम के साथ साथ इसका रिपीटर भी वर्क करेगा। इसको यूज़ करने का बड़ा आसान है कि आप जस्ट इसको अनपैक कीजिए, इसकी डिस्केट को प्लग कीजिए या इंसर्ट कीजिए, और विजार्ड को स्टार्ट कर लीजिए, अदरवाइज सीधा सीधा लैन केबल भी कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। और इसमें कुछ फीचर्स है जो जैसे आपको यहाँ शो कर रहे हैं, DDNS आपको पता ही है, IP वर्जन 6 को भी सपोर्ट करता है। तो यह था D-Link का वायरलेस N300 ADSL सेकेंड वर्जन का राउटर, काफ़ी अच्छा राउटर है, मैं खुद 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। और ये सिंगल बैंड का है, ये डुअल बैंड या AC राउटर नहीं है, या AC मॉडेम नहीं है। इसके अंदर आपको देखिए क्या क्या सपोर्ट मिलता है। क्लिक एंड कनेक्ट सेटअप का विजार्ड, जैसे मैं बता रहा था कि आप CD डालिए और सिंपल सा विजार्ड स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप एक नूब है, आपको कॉन्फ़िगरेशन की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपके पास वही इंफॉर्मेशन है जो आप बात करते हैं। अब इसके सॉफ्टवेयर कंट्रोल की, तो आपको ब्राउज़र पर जाकर ये स्क्रीन पे जो एड्रेस दिख रहा है वो IP आपको टाइप करना होगा 1.1, क्योंकि ये एक मॉडेम है। आप जैसे इसको टाइप करेंगे यहाँ पे ये इसका लॉगिन स्क्रीन दिखा देगा, और आपको अपने डेडिकेटेड यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन करना होगा। आप जैसे यहाँ फर्मवेयर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे 1.7 पे क्लॉक्ड हूँ, और मेरे प्रोडक्ट का नाम है 2750U। सबसे पहले हम फर्स्ट विजर्ड कर सकते हैं, जैसे कि उसमें कनेक्ट एंड क्लिक एंड कनेक्ट का ऑप्शन था। यहाँ पे आप सीधा कम जाकर अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के एक इंटरनेट सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद में आपको वायरलेस सिक्योरिटीज़ मिल जाती है, वायरलेस की एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे एडवांस सेटिंग्स में जाकर आप वायरलेस के ट्रांसमिशन रेट, मल्टीकास्ट रेट, या अपनी SSID को विजिबल करना चाहते हैं उसके लिए, या आप मल्टीपल एक्सेस पॉइंट क्रिएट करना चाहते हैं, कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि घर में गेस्ट आते हैं तो उनको आप अपने मेन वाईफाई से कनेक्ट करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, तो आप उनके लिए गेस्ट कनेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, ताकि उनकी जो सर्फिंग स्पीड है या उनकी जो बैंडविड्थ स्पीड है वो भी हम एक तरह से रूल कर सके, ताकि उनको एक लिमिटेड बैंडविड्थ ही मिले। तो इस तरह का ऑप्शन भी है। बाकी ऑप्शन देखा जाए तो आपको राउटिंग के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, डायनामिक DNS मिल जाता है, QoS कॉन्फ़िगरेशन, जो मैं बोल रहा था कि आप लिमिटेड बैंडविड्थ किसी भी वाईफाई को प्रोवाइड कर सकते हैं, पैरेंटल कंट्रोल्स मिल जाते हैं, आप कोई भी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं, सांबा सर्वर इसमें मिलता है। सांबा सर्वर जहाँ काम आता है, जहाँ पे आपको अपना USB स्टोरेज को क्लाउड पे या अपने लोकल एरिया में स्ट्रीम करवाना होता है, तो आप इजीली तरीके से उसको स्ट्रीम भी करवा सकते हैं। बात करता हूँ कैसे करते हैं, तो ये है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के अकाउंट। आपको अब इसका सर्वर ऑन करना होगा, और
बाय डिफ़ॉल्ट ही एफटीपी इसको अपने हिसाब से सेट करना होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पोर्ट नंबर 8181 डाल देता हूँ, तो इसके अकॉर्डिंगली ये कनेक्ट हो जाएगा और आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। कंट्रोल इन द सेंस आप उसमें यूजर नेम एंड पासवर्ड भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और यूजर नेम जैसे मैं यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड दे रहा हूँ, और साथ साथ में आप उसके राइट्स भी डाल सकते हैं कि वो उसको सिर्फ व्यू करना है या अपलोड करना है या उसको डाउनलोड के राइट्स भी देना है। जैसे मैं यहाँ पे व्यू और अपलोड नहीं करता हूँ, डाउनलोड ही करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा एक अकाउंट टेबल में एक यूज़र ऐड हो गया और लेटर मैं उसको एडिट भी कर सकता हूँ मेरे एफटीपी को एक्सेस करने के लिए। बाद में बात करता हूँ मैं स्टेटस की, तो ये पूरी स्टेटस रिपोर्ट आपको शो करेगा कि कितने वायरलेस क्लाइंट्स आपके मॉडम या मेन राउटर से कनेक्ट हैं, कितने DNCP क्लाइंट्स आपके मॉडम या इस राउटर से कनेक्ट हैं, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देगा। लॉग्स भी उसकी प्रोवाइड करेगा, लोकल नेटवर्क इन्फो भी प्रोवाइड करेगा और इंटरनेट कनेक्शन का स्टेटस भी प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ ये आपको आप मैनेजमेंट में जाकर अपनी सिस्टम की हमेशा से बैकअप ले सकते हैं और अपने फर्मवेयर को अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1.07 है और D-Link का कस्टमर सर्विस भी काफ़ी अच्छा है, तो अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो अपना फर्मवेयर भी अपग्रेड कर सकते हैं, प्लस डाउनग्रेड भी कर सकते हैं, अपने DSL का टेस्ट भी कर सकते हैं। और कई बार ये ऐसा होता है कि आपका राउटर या आपका मॉडम आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो आप अपना मॉडम का DSL टेस्ट भी या डायग्नोस टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये था D-Link का DSL2750U एक मॉडम है, और इसको अगर आप एज ए रिपीटर यूज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका फर्मवेयर अपग्रेड कर लीजिए। और पर्सनल यूज़ के लिए मैं आप इसको बोलना चाहूँगा कि आप पर्सनल यूज़ के लिए इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एक नॉर्मल सा ब्रॉडबैंड है या फिर आपको हाई यूजर्स के लिए अपना मॉडम नहीं चाहिए, तो आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। 3 इयर्स का डोर स्टेप सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है और D-Link का कस्टमर केयर काफ़ी अच्छा है। मैं खुद पर्सनली इसको 2 इयर्स से यूज़ कर रहा हूँ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।